की फिकटी प्रखंड के पंचायत मजरक में बारिश एवं नदी के बड़े जल स्तर से पंचायत के लोगों की समस्या बढ़ गई है। कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। मुखिया रमेश यादव ने बताया कि बारिश में मक्के की कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। वार्ड नंबर 7 में विकट स्थिति बनी हुई है। कटान की वजह से कई लोगों का घर विस्थापित होने की समस्या आ गई है। विस्थापित होने की वजह से परेशान लोगों को स्कूल में रखा गया है। बारिश के दौरान कुछ रास्ता खराब हो गया है, जिसे ठीक करवाने की कोशिशें जारी है। हमारी संवाददाता ने मुखिया से खास बातचीत की है, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जी, आप ये बात बताएं, आपके यहाँ भारी वर्षा के लेके क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? ये विगत वर्ष में भी जो बारिश हुआ था जी, उसके कारण जो है पीरगंज गांव एक कटान की स्थिति में है जी, और एक डैनिया वार्ड नंबर 7 वहाँ पर भी कटान का स्थिति बना हुआ है, जिसमें अगले वर्ष जो है 41 परिवार जो है विस्थापित हुआ था जी। तो इस बार भी जो है वैसा स्थिति बना हुआ है, तो कुछ लोगों को मैं अभी ही निकाल करके उसको स्कूल में रखवा दिए हैं। बारिश लगातार बारिश होने के कारण यहाँ पर जो है विकट स्थिति 7 नंबर वार्ड में बना हुआ है, जिसके चलते इस बार भी कुछ लोगों का घर जो है विस्थापित होने का आशंका है जी। आप जिला के किसी अधिकारी को आपने ये सूचना दिए, तो वहाँ से क्या आश्वासन आया आपको? जी, जिला कंट्रोल रूम में हम परसों ही फोन किए थे जी। जिला कंट्रोल रूम को भी हम बताए हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, वार्ड नंबर 7 में ऐसा स्थिति बना हुआ है। अंचलाधिकारी सिक्टी को भी हमने बता चुके हैं जी। वो भी आश्वासन दिए हैं कि नहीं, जो भी ऐसा स्थिति आएगा तो हम उसको निपटेंगे। और बाकी किसान के मुद्दे के लिए, किसान का जो मकई लगाया है उसमें बहुत नुकसान हुआ है, इन बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अपने किसान भाइयों के? किसान तो इस बार तो सर क्या कहते हैं, रेट नहीं रहने के कारण तो मारा ही गया है, ऊपर वाला भी किसान को मार दिया। एक तो रेट नहीं है, लोग भारी बारिश होने के कारण एक तो कटाई में उसको दिक्कत हुआ, फिर सुखाने में भी जो है अभी तक मकई जो है रोड पर देख रहे होंगे कि सड़ा हुआ, आपको पूरा यहाँ से कुवाड़ी से लेकर के सिक्टी तक रोड में अभी कहीं कहीं ढक करके मकई जो है रखा हुआ है, अभी तक तो बिल्कुल वो सड़ गया है। तो इसमें तो किसान तो पूरी तरह बर्बाद हो गया जी। और आपके पंचायत में क्या क्या समस्या है वो थोड़ा बताएं आप। बरसात के कारण कुछ रोड जो है डैमेज हो गया है, उसको हम लोग ठीक ठाक करवा रहे हैं जी। अभी तो इतना फ्लड अभी आया है नहीं, आगे देखते हैं, वैसा अगर बहुत ज़्यादा फ्लड अगर आ जाएगा तो हम लोग उसको देखेंगे, प्रशासन को भी सूचना देंगे, उस चीज़ को हम लोग निपटेंगे। अररिया के सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल NS रेडियो की ओर से मैं आपका दोस्त RJ धीरज आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रसारण का आनंद ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर द्वारा ऐप को डाउनलोड करके लगातार दिन रात ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने यारों दोस्तों को भी कह सकते हैं और सुन सकते हैं गाने, वो भी आपकी पसंद के, ओनली ऑन NS रेडियो।